दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपना ऑडियो का पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ, पूरा टूर कराने वाला हूँ और ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइक को अटैच करने में या फिर ऑडासिटी के साथ वॉइस को कंट्रोल करने में, उसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है आपका कहीं पर कोई सवाल का जवाब मिल जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से कि किस तरह से आपने अपने सेटअप को तैयार करना है, वो भी बहुत ज्यादा कम बजट में। अगर आप कहेंगे कि इस माइक का रिव्यू करो तो मैं फुल रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर जरूर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप इस माइक को परचेज करके अपनी ऑडियो को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकें या फिर अपने स्किल, जो आपकी सिंगिंग का स्किल है या किसी भी चीज का स्किल है जिससे आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो इंप्रूव हो सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं बिल्कुल जीरो से, कहां से हमें क्या चीज़ करनी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी यहां पर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन है और ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने ऊपर का फ़ैन भी बंद किया हुआ है। अब यहां से मैं आपको प्रोसेस बताना शुरू करता हूं कि किस तरह से आप लोगों को ये करना है और किस तरह से आप लोगों को अपना सेटअप तैयार करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसकी। ये स्टैंड है मेरे माइक का, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पास लेकर के चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसकी रोशनी बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ से आप ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर अपने मेज के पास अटैच किया हुआ है और ये देखिए यहाँ से, और ये मेरा माइक है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये माइक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, प्लस ये फैंटम पावर के साथ चलता है, आप लोग इसे देख ही सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी एक केबल को, ये जो केबल जा रही है, इसको अटैच किया हुआ है वो वाले फैंटम पावर के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से बटन दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा और मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होना इसमें शुरू हो जाएगी, मतलब इसमें माइक से जो है अटैच हुआ हुआ है। फिर उसके अंदर एक केबल मैंने वहाँ से निकाली हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इसके पीछे से ये जो है, ये वाला जो केबल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाला, ये तो आ रहा है मेरे माइक के अंदर से, ठीक है, ये वाला जो माइक है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये वाली जो लगा रखी है, ये वाली जो केबल है, ये जा रही है हमारे पूरे लैपटॉप के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 3.5 mm का इसमें जैक लगा हुआ है, ये आपको बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पर प्लग लगाया हुआ है, इसमें 5 मेरे ख्याल से आ जाते हैं, शायद 4 हैं, तो वो आ जाते हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है, ये मेटल में है, प्लस ये हमारे जो अडेप्टर आप देख रहे हैं, ये अडेप्टर है हमारे फैंटम पावर को पावर देने के लिए। और प्लस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये एक लाइट जो पीछे आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर की आ रही है मेरे सिस्टम के पीछे, और ये इसका प्लगिंग है। ये मेरा पूरा सेटअप है, इसका रिव्यू मैं किसी दिन, आप कहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ये मेरा माइक है, प्लस यहाँ से मैंने लैपटॉप का चार्जर लगाया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक। यहाँ अभी मेरा मेज काफ़ी गंदा सा लग रहा है, लेकिन ये सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आवाज़ इसमें बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। जब ये सब कुछ नहीं होता है इसके अंदर, तो आप कुछ देखेंगे कि इस तरह का एक फ़ोटो, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ, इस तरह का मेरा सिस्टम दिखाई देता है। दोस्तों मैंने जो लैपटॉप ले रखा है, ये इसी पर्पज़ से ले रखा है ताकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर सकूँ, अपनी सिंगिंग कर सकूँ, क्योंकि जब हम इसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसके जितने भी फैंस हैं और जो अंदर की तरफ आप लोग ये फ़ैन देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आइए एक सैंपल देखते हैं कि किस तरह से मैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग करता हूँ। दोस्तों ये मेरा पूरा सेटअप लगा हुआ है और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं कभी कभी सिंगिंग खड़े होकर भी कर लेता हूँ और कभी कभी बैठ कर भी कर लेता हूँ, क्योंकि खड़े होकर जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है, तो इसलिए मैं खड़े होकर ज़्यादातर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ी लाइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि कोई सॉन्ग ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं R बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुम से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ
भी कहने से डरता है। तो मैं आप लोगों को वेब फॉर्म दिखाता हूँ, देखिएगा कि मैंने स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की है इसलिए ये आवाज़ शायद आपको ना सुनाई दे, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी लाइव रिकॉर्डिंग की है यहाँ पर, वो आप लोगों को मैंने दिखाया है किस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं हाँ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये कितनी नॉइस कैप्चर करता है ये माइक। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस माइक को ख़रीद सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि पूरा इसका जो है रिव्यू वीडियो लेकर आऊँ तो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा और आप उसको देखिएगा ज़रूर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉइज़ कितनी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये मैं देखिए यहाँ पर आर बटन प्रेस करूँगा और यहाँ स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने प्रेस किया और ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं अगर चुप जाता हूँ, चूँकि मैं देखो इतनी दूर से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये है माइक और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो अगर मैं चुप जाता हूँ तो देखिएगा आप कितनी नॉइज़ को ये कैप्चर करेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, देखिए ये देखिए यहाँ पर। और अब अगर मैं बोलता हूँ, पास से आकर बोलता हूँ तो देखिएगा आप वेवफॉर्म कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये देखिए। और अगर मैं दूर से बोलता हूँ तो देखिएगा आप कितनी ज़्यादा ये देखिए यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो लीड है ये मेरे माइक्रोफोन के अंदर लगी हुई होती है इस जगह पर, और ये मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ कि ऐसी ही आपके पास भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल दोनों एक जैसी ही होती हैं, जो कि एक उसके अंदर लगी हुई है फैंटम पावर के अंदर और एक यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं। तो ये मैं अगर इसके अंदर लगाता हूँ, देखिए इसके अंदर एक बिल्कुल जो ये माइक है मेरा, इसके अंदर देखिए एक ये देखेंगे आप यहाँ पर और से देखेंगे तो आपको एक खांचा दिखाई देगा जो कि इसके अटकने के लिए लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली चीज़। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे तो कट देनी आवाज़ आएगी जो कि ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लग चुकी है। अब चूंकि मैं अकेला हूँ यहाँ वीडियो बनाने वाला तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक हाथ से मैं अपने कैमरे को पकड़ूँ और दूसरे हाथ से ये आप लोगों को सब चीज़ दिखाऊँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ऑडेसिटी के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, कम से कम 3 वीडियोज़ मैंने सीरियल वाइज डाली हुई हैं, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो हिल डुल रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन आपको सीखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने अपना सिस्टम दिखाने के लिए आप लोगों को बनाई है। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, कौन सा प्लग किस तरीके से काम करता है और इस माइक का रिव्यू किस तरह से है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे इस टॉपिक पर आएंगे कि अपने माइक का मैं रिव्यू करूँ, किस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, कौन सी सेटिंग रखता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियोज लेकर आऊँगा। वो वीडियो कम से कम 20 से 30 मिनट की होगी और उसमें मैं आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से कमेंट करिए इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों ये छोटा सा एक ब्लॉग था, इसमें मैंने आपको अपने स्टूडियो के बारे में, अपने प्रॉपर जो मेरा सिस्टम है सिंगिंग से रिलेटेड उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर आप लोग सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। बस कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं जानता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मैं सिर्फ अकेला बनाने वाला हूँ और मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं सब चीज़ आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाया हूँ। कमेंट्स में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बहुत ही अच्छी सी आप लोगों को वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा और उस वीडियो में आपको प्रॉपर हर चीज़ में सिखाऊँगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी सिंगर्स हैं, जो भी इस तरीके का माइक लेना चाहते हैं, जो भी अपनी फैंटम पावर के साथ अपने माइक को कनेक्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस जो सीखना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर रोज नई नई वीडियोस हमको सिखाए, टेक्निकल गुरु हीरो हीरो वाले ताजे भाव देखो है वो मेरो, अपने लैपटॉप को ऑन करो और सुहेल के साथ टेक्निकल नॉलेज मिलता है वो हमें बताए साथ साथ।